जिन पौधों को लगाया हुआ है उस पौधे के बारे में आपको बताऊंगा ये पौधा आयुर्वेद में अपना विशेष महत्व रखता है दोस्तों आप भी अगर आयुर्वेद से प्यार करते हैं तो घर और आंगन में आप भी जरूर से जरूर कोई पौधे जरूर लगाएं ताकि आपकी भी बीमारियों से जो है छुटकारा पा सके दोस्तों ये जो पौधा है आयुर्वेद के अगर आप जानकार हैं तो आपने इन पौधों के बारे में सुना ही होगा ये पौधा अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है दोस्तों देखिए ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो अक्सर गाँव में अपने घर आंगन में सब कोई ये छोटा सा मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में ही मैंने तीन चीज़ें लगा रखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये ये जो चीज़ है ये ये तो आप जानते हो ये है तुलसी ये देखिए दोस्तों ये तुलसी है और तुलसी बहुत ज़्यादा काम करती है बीमारियों को दूर करने के लिए वैसे घर आंगन में अगर तुलसी लगी रहे तो कहा जाता है कि मलेरिया की जो मच्छर हो मच्छर होते हैं वो नहीं पनपते तो मलेरिया के मच्छर मच्छरों को दूर करता है ये तुलसी इसलिए घर में तुलसी लगाना बहुत ज़्यादा लाभकारी है लेकिन दोस्तों आप तुलसी का पीस करके रस तो सेवन कर सकते हैं लेकिन इनकी पत्तियों को मत खाइएगा इनकी पत्तियों को खाने से क्या होगा दोस्तों अगर आप पत्तियों का इसको सेवन करते हैं और इनकी पत्तियों में अगर आपके दांतों में ये पत्तियाँ चिपकी रहती हैं तो फिर दांतों में शरण उत्पन्न करती है और उसमें कीड़ा लगने का भय रहता है वैसे ये दर्द निवारक है बुखार को दूर करता है और दांतों की सफाई करता है लेकिन दांतों में आप अगर इसको चबाती हैं तो अच्छी तरीक़े से कुल्ला कर लें और वरना इसका रस सेवन करें दोस्तों अभी दोस्तों और साथ ही साथ ये देख रहे हैं ये ये तुलसी जैसा ही है और तुलसी भी ज़बरदस्त है तुलसी से भी ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जैसे बन तुलसी में आती है बन तुलसी यानी कि बोमई और लेकिन ये बोमई नहीं है इसको ध्यान से देखिएगा ये ये है मारूदौना दोस्तों इसको मारूदौना कहा जाता है ये इसकी आप इस तरीका से इसमें हाथ कर देंगे ना तो गजब की खुशबू आएगी इस खुशबू के प्रयोग से ही जहाँ पर मारूदौना लगा रहता है वहाँ पर सांप आने का भय नहीं रहता दोस्तों सांप नहीं आ सकता अगर आप इसको घर में लगा लेते हैं तो सांप नहीं आ सकता इसलिए मारूदोना है ये और इसके ये फूल देख रही अभी बरसात के सीज़न में ये फूल आने शुरू हो गए हैं ये ये मारूदोने के फूल देखिएगा ये इस तरह आ रहे हैं ये तो इनके बीजों जब ये इसके फूल के बाद इसके जब फल आएंगे तो इसके जो बीज हैं वो बमई के समान ही नज़र आते ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है इनके पत्तियों की तो इसका भी प्रयोग आप जोड़ों के दर्द में घुटनों के दर्द में और इनकी बीजों का प्रयोग आप अपनी कमज़ोरी को दूर करने में और लक जो लिकोरिया को दूर करने में प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है जैसे आपके कहीं पर भी घुटनों जोड़ों का दर्द बदन दर्द या हाथ कोहिनी में दर्द होता है उसको दूर कर सकते ये देखिए ये जो लता है ये ये बहुत ज़बरदस्त लता है ये देखिएगा ये दोस्तों मैंने भी ला करके लगा रखी थी ये देखिए ये है हर जोड़ दोस्तों इसको हर जोड़ बोला जाता है हर जोड़ क्योंकि इसके प्रयोग से टूटी हुई हड्डियाँ भी जुड़ जाती हैं दोस्तों हिमालय कंपनी और और भी जो आयुर्वेद की कंपनी है वो हर जोड़ का घन सत्य बोलते जो हर जोड़ घनब्टी के नाम से आती हैं उसमें हर जोड़ के घनबटी डई होती है जो ये कैल्शियम का भंडार है और ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसकी ये लगी हुई है और पूरा के इसमें जोड़ होगा जिस तरीके से हड्डियों में जोड़ होता है ना तो इसमें ये है जोड़ ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है शरीर में हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया है घुटने का फ्रैक्चर हो गया है तो हाथ टूट गए हैं एक्सीडेंट में कुछ भी हो गया है तो आप इनके बटी यानी कि गोली बना के प्रयोग करा सकते हैं और साथ ही साथ इसका आप प्लस्तर करा सकते हैं तो टूटी हुई हड्डी शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाती है तो ये है दोस्तों हर जोड़ बहुत ज़बरदस्त पौधा है ये तो अगर आपको लगाना है तो कहीं पर भी अगर हर जोड़ मिल जाए तो बस इसकी थोड़ी सी टहनि जैसी ये है यहाँ से ली यहाँ से एक इसकी पंगुल टोल लें और तोड़ करके अगर गाड़ देते हैं तो ये दोबारा से नया पौधा आ जाता है मैंने भी ऐसे ही लगाया था देखिएगा ये ये मैंने ये टोड़ के लाया था ये तो लग गई थी ये हर जोड़ इस तरीके से ये और अभी बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों तो बरसात में अगर आप लगाएंगे तो आराम से लग जाती है तो ये कैल्शियम का भंडार है दोस्तों टूटी -टू हुई हड्डी को जोड़ता है ये बहुत ज़बरदस्त पौधा है हर जोड़ का तो आज हमने आपको अपने वीडियो में बताया धन्यवाद